हमारे काम का कोई सम्मान नहीं देते। बहनों को पैसे मिलते बहुत कम मिलते थे। कोई कोई मैडम काम दो दिन करे, पांच दिन करे, निकाल देते। जबरन मजदूरी यह है कि घरेलू कामगारों को जो वर्किंग कंडीशन है ना, बिल्कुल खराब है। उसके लिए हमने संगठन बनाया, बहनों को जागरूक किया और जागरूक करके वर्किंग फ्रीडम प्रोग्राम के द्वारा हमें सहयोग मिला इस चीज के लिए। और बहनों को संगठित करके हमने घरेलू कामगारों के लिए समुचित कानून की मांग कर रही है। हमारी पहले भेदभाव होता था, पहले हमें बाथरूम यूज नहीं करने देते थे, पानी पीने नहीं देते थे, उससे अब बहुत ज्यादा कम होने लगा। झाड़ू पोछा बर्तन का क्या रेट है, कपड़े धोते हो तो क्या रेट है और खाना बनाते हो तो क्या रेट है? तो बहनों ने बोला जितना हम काम करते उससे बहुत कम पैसे हैं, तो थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो बहनों से पता करके हम बात करें, जो पहले जो रेट मिलती थी उससे थोड़ा बढ़ के मिलने लगा काफी बहनों को। जागरूकता लाना बहनों में, उनको मांगे रखना, जैसे बहनों को आवाज की सुविधा मिले, PFSI की सुविधा मिले, उनके कार्यस्थल को मान्यता मिले। हम अपने एरिया में भी मीटिंग करने लगे तो हमारे काम की है ना संगठन ज्यादा बढ़ने लगा। I think we all see the need for the ILO to continue to support such work both locally and globally across unions, because the whole aspect of informal workers needs a lot of attention and a huge amount of support.